मसूरी केकड़ा खत्म हो गया और अब खेके आए। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं ईस्टर्न पेरिफेरल तक, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है NCR में, यानी कि ब्राउन फील्ड में। और जो जगह है दोस्तों ये है ढूंढेड़ा गांव, और ढूंढेड़ा से होते हुए निकलेंगे खेकड़ा होते हुए सीधा ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए। और उस बीच में कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बने रहो आप सभी एंड तक। तो आपको बता दूं दोस्तों, देख सकते हैं ये सारे में पियर कैप बन चुके हैं, और पीछे जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग में, वहाँ पर क्रेन मशीन भी रखी हुई है। और जो आपको बता दूं, और ये जो पिलर कैप के जो सेफ्टी बोर्ड हैं वो भी लगाए जाएंगे, विंग्स उनका जो सेटरिंग का सामान है वो भी यहाँ पर लाकर रख दिया जा चुका है, क्योंकि अब इनमें विंग्स जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों। और जो विंग्स हैं वो पहले ही यार्ड में बना लिए जा चुके हैं, और वहाँ से ट्रकों द्वारा आएंगे और यहाँ पर इनका पिलर बनाएंगे लोहे का, और फिर उस पर वो इस विंग्स को रख देंगे। रख देने के बाद में फिर उसमें सेफ्टी केबल अंडर डाले जाएंगे, और सेफ्टी केबल से फिर ये जोड़ दिया जाता है। तो देख सकते हो जैसा कि ये ऊपर हॉल दिखाई दे रहे होंगे ना, वो हॉल है, और नीचे भी है इसमें हॉल, इसी में सेफ्टी केबल विंग्स को और सेफ्टी केबल विंग्स और ये पियर कैप को अंदर से डाला जाता है दोस्तों, तब जाके उसे मजबूत किया जाता है जो इसके विंग्स हैं। और बहुत सारे इसमें जो सेफ्टी केबल हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन पकड़ने में बहुत मुलायम होते हैं। वो एक तरीके का तार होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं हम निकलते हुए चल रहे हैं, और आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एक एक्सीडेंट भी हुआ था दोस्तों। और एक्सीडेंट कैसे हुआ था वो आप लोग अपनी आँखों से देखेंगे कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। और तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये थ्री व्हीलर में ऑटो में थोड़ा सही से बैठा करें, क्योंकि बहुत जल्दी ये पलट जाते हैं। लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बच गए थे लोग। तो आप लोगों का आगे देखने के लिए मिलेगा, देखिए ये जो ऑटो जा रहा है यही पलट जाता है आगे जाके, क्योंकि आगे भैंस सामने आ जाती है, लेकिन ये रोक नहीं सकता उसको, बस भगाए जा रहा है। देख सकते हो आप, होगा देखो किस तरीके से होता है एक्सीडेंट, वो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये पलटेगा। देखो ये पलट गया, ये देख सकते हो। और इसमें दोस्तों दो बच्चे थे और पेरेंट्स थे, लेकिन किसी के चोट नहीं लगी, बच गए, ड्राइवर भी बच गया था दोस्तों। तो यही शुक्र है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है आप सभी लोगों के बीच में, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप सभी इंजॉय करो, देख सकते हो यहाँ तक ये पियर कैप बना लिए जा चुके हैं, आगे ये पियर कैप बनाए जाएंगे दोस्तों, और आगे आ जाएगा मंसूरी खेकड़ा, तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन यार्ड है इनका, जो कि इन पे पियर कैप बनाए जा रहे हैं उनका। We'll be right back.
काम यहाँ चल रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, इसमें दो टायर से पियर कैप बनाए जा रहे हैं। एक तो बिल्कुल सीधे सीधे बनाए जा रहे हैं, जो सरियों का जाल बना के पूरा ही पूरा बनाया जाएगा, और कुछ जगह तो इसमें इनके जो सेगमेंट है, मतलब कि जो बिंग्स हैं, उनको ऐड किया जा रहा है पियर कैप में। तो यही काम चल रहा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और जो यहाँ पर ये जो गाँव है, ये है मंसूरी, ठीक है, खेकड़ा मथुरी गांव है। यहाँ पर देखो सारे में पियर कैप बनते हुए जा रहे हैं आगे, तो चलते हैं और आप सभी को आगे चल के दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। मथुरी खेकड़ा ख़त्म हो गया और अब खेकड़ा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो आगे दिखाते हैं चल के कि कितने पियर कैप बन चुके हैं। तो आप देखने के लिए बने रहिए के साथ में दोस्तों, चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं गाइस किस तरीके से ये पियर कैप का काम किया जा रहा है। पियर कैप बहुत तेज़ी के साथ में बनाए जा रहे हैं ब्राउन फील्ड एरिया में। अब मसूरी खेकड़ा ये गांव है, देख सकते हो यहाँ पर ये सेटरिंग लगा दी है, और किस तरीके से ये पियर कैप बनाया जा रहा है। सरियाओं का जाल बना के देख सकते हो ये बन गया, दूसरा ये भी बन गया दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, इसमें कंक्रीट भर दिया है इन्होंने। अब इसमें ये सेफ्टी केबल भी इसमें लगा दिए हैं, देखो ये पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया। इसमें कंक्रीट भर के और ये मजबूत हो गया, इसमें पानी डालने का काम चल रहा, मजबूत किया जा रहा है, और ऐसे ही आगे भी बन चुके हैं। तो काफ़ी सारे ये बन चुके हैं, आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि मंसूरी खेकड़ा पीछे ख़त्म हो गया, अब खेकड़ा गांव स्टार्ट हो चुका है। तो खेकड़ा गांव का मार्केट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं कितने सारे ये पियर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं, और वैसे ही वैसे यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो बहुत तेज़ी के साथ में इस पर बनाया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है, तस्वीरें देख सकते हो। और यहाँ पर ये सारा काम, अब यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये पियर कैप बनाते जा रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसी तरीके से फिर इसके काम को बढ़ाते जा रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ पर ये सरियाओं का जाल बना दिया पियर कैप का, देखो कितनी टीम लगी हुई है दोनों पे। और ये पहले ये इसको बनाते हैं जाल को, फिर इसमें कंक्रीट भरा जाता है दोस्तों। तो यही, और ये मार्केट स्टार्ट हो चुका है खेकड़ा गांव का दोस्तों। आगे का तस्वीर दिखाते हैं चल के। तो ये देख सकते हो तस्वीरें, यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो ये मिट्टी की लेयर डाली जा रही है यहाँ पर, और उधर देख सकते हो इन्होंने ब्लैक टॉप भी कर दिया। अब ब्लॉक टॉप देखो वो हो गया है, सारा ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो आप लोग बताना दोस्तों
कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। ये रैंप बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, वो वहाँ पर ब्लैक टॉप किया जा रहा है दोस्तों, और इधर ये कंक्रीट की लेयर डाली जा रही है, इसको यहाँ पर भी ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीरें। तो यही सीन है यहाँ का, देख सकते हैं गाइस, ये रोरी बजरी की लेयर को इसको एक सार किया जा रहा है, और वो जो आपको बता दो रैंप पे ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है, ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है, अब इस पर सेकेंड लेयर बिछाई जा रही है ब्लैक टॉप की इस रैंप पे, और यहाँ से ये रैंप स्टार्ट हो जाएगा, ये एलिवेटेड हो जाएगा दोस्तों। और मेरे पीछे है ईस्टर्न पेरिफेरल, तो वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है, और देख सकते हो ये कंक्रीट को ये लेबल किया जा रहा है, देखो ये मशीन लगी हुई है, ये लेबल कर रही है इसको, और वो सामने चमक रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल गाइस, और जैसे इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही बागपत स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सीन है यहाँ का, तस्वीरें देख सकते हो इधर की साइड में, तो आपको बता दूं कि ये आउट एरिया पड़ता है, तो इस वजह से काम को बहुत तेज़ी के साथ में कर लिया जा चुका है दोस्तों। देखो मशीन किस तरीके से यहाँ पर ये लेबल कर रही है ये रोरी बजरी को दोस्तों, और रोरी बजरी को कंप्लीट होने के बाद में, इसको एक सार करने के बाद में फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, और ब्लैक टॉप कर देने के बाद में दोस्तों ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा, और ईस्टर्न पेरिफेरल वो सामने चमक रहा है आप सभी को देख सकते हो, वो ईस्टर्न पेरिफेरल जा रहा है, और हमारे NCR का ये रिंग रोड है दोस्तों, इसे रिंग रोड कह सकते हैं, कि जितने भी जो ट्रक हैं, जो भारी भरकम वाहन हैं, जो लोडेड वाहन हैं, वो आप लोगों को बता दूं कि NCR के बगल बगल से ही आ सकते हैं, NCR में घुसने की ज़रूरत नहीं है, जब एंट्री खुलेगी तब NCR के अंदर भी आ सकते हैं। तो यही सीन है, देख सकते हो ये रोरी बजरी की लेयर को ये एक सार किया जा रहा है, और एक सार कर देने के बाद में दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, जैसे कि रैंप पे ब्लैक टॉप कर दिया है, और ये भाई देख सकते हो ये सब्सक्राइबर है मेरे, देख सकते हो ये हाई हल्लो कर रहे थे, ये देख सकते हो तस्वीर है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो आप लोग बताना कि आप सभी को KP संत द्वारा वीडियोस कैसे लगते हैं, आप सभी को अच्छे लगते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियोज़ को, और हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देख सकते हो ये सारे पे ही अभी कंक्रीट की जो लेयर है वो बिछाई जा रही है, अभी इसको लेबल किया जा रहा है, और लेबल कर देने के बाद में फिर इस रोड रोलर चलाया जाएगा, रोड रोलर चलाने के बाद में दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों। यही सीन है यहाँ का, और ये यहाँ पर आपको बता दूँ कि ईस्टर्न पेरिफेरल ये बागपत बॉर्डर है दोस्तों, ये बॉर्डर एरिया है, और जैसे ही हम दिल्ली के साथ में चलेंगे तो पहले खेकड़ा गांव पड़ेगा, फिर उसके बाद में मंसूरी, फिर इसका मंडोला बिहार, मंडोला बिहार के बाद में दोस्तों फिर आ जाएगा क्या पाबी पुश्ता। तो यही सीन चल रहा है, तो आप लोग बताना क्या आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा गाइस, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, खराब लगा हो फिर भी हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो गाइस, और लाइक शेयर करो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो, और ऐसे ही मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के बीच में वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन से प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।